peachtreetutor.com पे आपको खुश आमदीद। व्यूवर्स, अपने इस वीडियो में हम Peachtree में अपनी कंपनी का एक सेटअप क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि हम अपनी कंपनी का सेटअप किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं Peachtree अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। अपनी कंपनी का सेटअप क्रिएट करने के लिए व्यूवर्स, हमें Peachtree की स्टार्ट विंडो में से क्रिएट अ न्यू कंपनी के ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। व्यूवर्स, जो ही आप क्रिएट अ न्यू कंपनी के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, आपके पास बेसिकली एक विजर्ड स्टार्ट हो जाता है। विजर्ड से क्या मुराद है व्यूअर्स? विजर्ड से मुराद एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें आपसे चंद स्टेप्स में कुछ इन्फॉर्मेशन ली जाएंगी और फिर उस इन्फॉर्मेशन की बेस पर आपकी कंपनी का डाटाबेस क्रिएट कर दिया जाएगा। तो व्यूअर्स, हम इस विजर्ड को स्टार्ट करने के लिए नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। पहली चीज जो हमें अपनी कंपनी के बारे में प्रोवाइड करनी है व्यूअर्स, वो है हमारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन। इस फॉर्म में व्यूअर्स आपको अपनी कंपनी का नाम, अपनी कंपनी का एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप, द कंट्री, टेलीफोन, फैक्स नंबर अगर हो तो, और बिजनेस की टाइप, यानी आपका बिजनेस कॉरपोरेशन है, सिंगल मेंबर कॉरपोरेशन है, आपका पार्टनरशिप का बिजनेस है या सोल प्रोवाइडरशिप बिजनेस है। व्यूअर्स, आपको ये चीज डिसाइड करनी होगी पहले से। तो व्यूअर्स, हम इसको सीक्वेंस से लेकर चलते हैं और अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन एंटर करना शुरू करते हैं। और व्यूअर्स, थ्रू आउट दिस ट्रेनिंग हम एक ऐसे बिजनेस को अपने एग्जाम्पल के तौर पर लेकर चलेंगे जो कि कंप्यूटर्स का बिजनेस है, जिसमें हम कंप्यूटर्स ना सिर्फ रिपेयर करते हैं बल्कि कंप्यूटर्स के पार्ट्स और पूरा कंप्यूटर भी सेल आउट करते हैं। तो व्यूअर्स, हमारे बिजनेस का जो नाम है वो है असद कंप्यूटर्स, और एड्रेस लाइन में व्यूअर्स हम उसका एड्रेस एंटर कर देंगे जो हमारे बिजनेस का एड्रेस है, और सिटी में डेफिनेटली हमें सिटी एंटर करना है। स्टेट हम पर इम्प्लीमेंटेबल नहीं है क्योंकि स्टेट्स बेसिकली ये एक यूएसए बेस्ड सॉफ्टवेयर है, अमेरिकन सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसमें स्टेट्स का ऑप्शन गिवन है, अदरवाइज हम इसको स्किप करके एज इट इज छोड़ देंगे। और जिप में हम अपने सिटी का जिप एड्रेस यानी 60,000 एंटर करेंगे। कंट्री में डेफिनेटली हम अपने मुल्क का नाम, और टेलीफोन अगर हमारा टेलीफोन नंबर बिजनेस का टेलीफोन नंबर है तो डेफिनेटली हम उसे एंटर करेंगे। फैक्स नंबर हम अज्यूम करते हैं हमारे पास नहीं है। बिजनेस टाइप में व्यूअर्स हमें कॉरपोरेशन चूज करना है, सिंगल मेंबर कॉरपोरेशन चूज करना है, पार्टनरशिप या सोल प्रोवाइडरशिप। व्यूअर्स, इस ट्रेनिंग में हम सोल प्रोवाइडरशिप को फोकस करके चलेंगे और हम अज्यूम करते हैं कि हमारे बिजनेस का जो टाइप है वो है सोल प्रोवाइडरशिप। व्यूअर्स, इसके अलावा आपके पास तीन फील्ड्स यहाँ पर मजीद मौजूद हैं, फेडरल एम्प्लॉयर आईडी, स्टेट एम्प्लॉयर आईडी और स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट आईडी। ये तीनों फील्ड्स व्यूअर्स हमसे रेलेवेंट नहीं है, जैसा कि मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि एक अमेरिकन बेस्ड सॉफ्टवेयर है, अमेरिकन कंपनी का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है, इसलिए ये तीनों ऑप्शंस जो है वहां के लीगल रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए जो है रखी गई है, जिनको हम एज इट इज स्किप कर देंगे। और व्यूअर्स, वेबसाइट में अगर हमारे वेबसाइट कोई है तो हम उसका वेब एड्रेस एंटर करेंगे और हमारा ईमेल एड्रेस एंटर करने के बाद व्यूअर्स हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। हमने अपनी कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। नेक्स्ट चीज है व्यूअर्स आपका चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट्स से क्या मुराद है व्यूअर्स? किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आप उस वक्त तक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक कि आप अपने मतलूबा अकाउंट्स जो है उनका रिकॉर्ड ना बना लें अपने सॉफ्टवेयर में। इसमें Peachtree में आपके पास चार्ट ऑफ अकाउंट बनाने के लिए बहुत से ऑप्शन मौजूद है। मसलन पहला ऑप्शन जो आपके पास है, सेट अप अ न्यू रिटेल सर्विस कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यूजिंग अ सिंप्लीफाइड चार्ट ऑफ अकाउंट। सिंप्लीफाइड चार्ट ऑफ अकाउंट से मुराद ये है व्यूअर्स के कुछ चार्ट ऑफ अकाउंट्स बिल्ट इन पहले से बनाकर रख दिए गए हैं आपके Peachtree अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, और अगर आप उन्हें यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं और अपनी जरूरियात के मुताबिक आप उन्हें मॉडिफाई भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन व्यूअर्स चार्ट ऑफ अकाउंट से रिलेटेड जो हमारे पास मौजूद है वो है सेट अप अ न्यू कंपनी यूजिंग एन एक्सटेंसिव चार्ट ऑफ अकाउंट फ्रॉम वन ऑफ मेनी सैंपल कंपनीज। जैसा कि मैंने आपसे पहले तस्करा किया कि कुछ सैंपल कंपनीज का डाटा पहले से Peachtree अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मौजूद है, और आप ये ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं कि उन सैंपल कंपनी के चार्ट ऑफ अकाउंट में से किसी एक का चार्ट ऑफ अकाउंट इस्तेमाल कर लें। तीसरा ऑप्शन व्यूअर्स आपके पास है कॉपी सेटिंग्स फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग Peachtree अकाउंटिंग कंपनी। अगर आपकी एक ऑलरेडी कंपनी मौजूद है Peachtree अकाउंटिंग में और उसका आपने चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया हुआ है और आप उस चार्ट ऑफ अकाउंट को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यूज कीजिए। और व्यूअर्स अगर किसी और अकाउंटिंग प्रोग्राम में आपका जो है वो कंपनी सेटअप क्रिएट है और उसके चार्ट ऑफ अकाउंट को आप यूज करना चाहते हैं तो सेकंड लास्ट ऑप्शन यूज करेंगे। और लास्ट ऑप्शन बिल्ड योर ऑन कंपनी, ये ऑप्शन आप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं व्यूअर्स जब आप अपनी कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट खुद से डिजाइन करना चाहते हैं, और हम इसी ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैंने बिल्ड योर ऑन कंपनी के साथ बने हुए रेडियो बटन को चेक किया और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दिया। व्यूअर्स नेक्स्ट आपको अपना अकाउंटिंग मेथड डिसाइड करना है। अकाउंटिंग मेथड से क्या मुराद है व्यूअर्स? दो किस्म के अकाउंटिंग मेथड बेसिकली प्रिवेल कर रहे हैं, एक है आपका अक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम और एक है कैश अकाउंटिंग सिस्टम।
कैश अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है व्यूअर जिसमें ट्रांजेक्शन उस वक्त रिकॉर्ड की जाती है जब या तो कैश रिसीव हो जाए जब या फिर जब आप कैश पे कर देते हैं। जबकि अक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम जो कि स्टैंडर्डाइज सिस्टम भी है ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जिसमें आप ट्रांजेक्शन उसी वक्त रिकॉर्ड कर देते हैं जो ही कोई ट्रांजेक्शन बिजनेस में वकूफ पजीर होती है, चाहे उसके अगेंस्ट कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ, या आपने कैश पे किया है या नहीं किया, आप चाहते हैं कि वो ट्रांजेक्शन फौरी तौर पे आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हो जाए, तो फिर उसके लिए हम अक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं और हम भी अक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम को ही लेकर चलेंगे। इसलिए मैं इसके नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। पोस्टिंग मेथड, व्यूअर्स आप अपने ट्रांजेक्शन को लेजर्स में पोस्ट किस तरह से करते हैं, इसके लिए भी आपको पीछे दो किस्म के ऑप्शन देता है, रियल टाइम और बैच मेथड। व्यूअर्स रियल टाइम मेथड ऐसा मेथड है जिसमें आप ट्रांजेक्शन को जो ही जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करके सेव करते हैं, कोई रसीट एंटर करते हैं, कोई पेमेंट एंटर करते हैं, कोई परचेज एंटर करते हैं, कोई सेल्स एंटर करते हैं, फौरी तौर पर आपके तमाम लेजर्स अपडेट हो जाते हैं। जबकि बैच मेथड ऐसा मेथड है जिसमें आप ट्रांजेक्शन को पहले रिकॉर्ड करते हैं और प्रोग्राम उन्हें सेव करता जाता है लेकिन लेजर्स पे उनका इंपैक्ट शो नहीं करता, और फिर जब आप खुद डिसाइड करते हैं कि आप इन्हें लेजर्स में पोस्ट हो जाना चाहिए, तो फिर उस सूरत में आप बैच मेथड को एक जो है कमांड यूज करते हैं जिसकी मदद से तमाम लेजर्स अपडेट हो जाते हैं। लेकिन व्यूअर्स रियल टाइम डेफिनेटली ज्यादा बेहतर और अप्रोप्रिएट पोस्टिंग मेथड है, और एक कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम की खूबसूरती ही ये है कि आप उसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें और लेजर्स पे ऑटोमेटिकली इंपैक्ट जो है वो डलता जाए। इसलिए हम इसी रेडियो बटन को सिलेक्ट करने देते हैं और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। व्यूअर्स नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास वो है अकाउंटिंग पीरियड्स। अकाउंटिंग पीरियड से क्या मुराद है व्यूअर्स, यानी आपका अकाउंट आप एक साल में कितने अकाउंटिंग पीरियड बनाते हैं। अकाउंटिंग पीरियड से मुराद ये कि आप कितने अर्से के बाद अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। व्यूअर्स कुछ बिजनेसेस अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं मंथली बेसिस पे, कुछ बिजनेसेस क्वार्टरली बेसिस पे, कुछ सेमी एनुअल बेसिस पे, और बहुत सारे बिजनेसेस एनुअल बेसिस पर, जो बड़े बिजनेस हैं व्यूअर्स वो एनुअल बेसिस पे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं। अगर आप एनुअल बेसिस पे अपना प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करते हैं तो उस सूरत में आपके जो अकाउंटिंग पीरियड्स होंगे वो एक साल में एक अकाउंटिंग पीरियड होगा। अगर आप मंथली बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमिन करते हैं तो आपके अकाउंटिंग पीरियड 12 होंगे, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 12 मंथ अकाउंटिंग पीरियड ही जो है सिलेक्टेड है, तो हम इसी रेडियो बटन को सिलेक्ट करने देते हैं और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट व्यूअर्स हमें पीएचटी को ये बताना है कि हमारी मंथली अकाउंटिंग पीरियड जो है वो स्टार्ट कब से हो रहे हैं, जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, या आप इस वक्त चूंकि करंटली मई का महीना चल रहा है तो क्या मई के महीने से स्टार्ट हो रहे हैं, ये आपको व्यूअर्स डिसाइड करना है। तो हम ये डिसाइड हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट फिजिकल ईयर टू स्टार्ट है वो मई है, क्योंकि हम मई में अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ से फर्स्ट फिजिकल पीरियड को मई कर लेता हूँ। और व्हाट इज द फर्स्ट मंथ यू विल बी एंटरिंग डाटा, डाटा हम किस मंथ से स्टार्ट एंटर करना शुरू करेंगे, डेफिनेटली जब हमारा बिजनेस मई में स्टार्ट हो रहा है तो हम डाटा भी मई से ही स्टार्ट करेंगे एंटर करना। और व्हाट इज द फर्स्ट ईयर यू विल बी एंटरिंग पेरोल, पेरोल के लिए भी वो पूछ रहा है कि पेरोल आप कब से जो है वो रिकॉर्ड करना शुरू करना चाहते हैं, तो व्यूअर्स हम पेरोल के लिए भी 2011 का साल ही सिलेक्ट करने देते हैं और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। व्यूअर्स हमें कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज एक रिसीव हुआ है, और जो ही हम फिनिश के बटन पर क्लिक करेंगे हमारी कंपनी का डाटाबेस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, हमारी कंपनी का सेटअप क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, और हमारी कंपनी का एक वजूद पीएचटी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। और हम इसको फिनिश करते हैं और आप देखेंगे कि आपके सामने कंपनी का डाटाबेस जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है। लीजिए व्यूअर्स हमारी कंपनी का डेटाबेस, हमारी कंपनी का सेटअप क्रिएट हो चुका है, और उसके लिए हमें जो एक निशानी नजर आ रही है वो ये है कि पीएचटी अकाउंटिंग अगर हम टाइटल देखें तो असद कंप्यूटर्स के नाम से हमारा टाइटल नजर आ रहा है, और इसकी वजह ये ही है बेसिकली क्योंकि अब हम अपनी कंपनी का सेटअप क्रिएट कर चुके हैं तो इस वक्त हम अपनी कंपनी के प्रोफाइल में मौजूद हैं, और अब हम जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो हमारी कंपनी के प्रोफाइल को इफेक्ट करेंगे डेफिनेटली।